अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मेरा नाम है दुआ वसी और मैं हूँ वसी शाह। एज़ यूजुअल मैं चाह रही थी कि हम उसी फॉर्मेट को लेके चलें कि हम किसी पर्सनालिटी को पिक करें और हम उनके बारे में बात करें। तो मैं चाह रही थी कि हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बात करें। हाँ देखिए, ये भी बड़ी जलील कदर हस्ती हैं और तीसरे खलीफा थे हमारे, जो खुलफाए राशिदीन हैं उनमें से एक है, और बेशुमार आपकी भी, ये जितनी भी शख्सियात हैं ना बेटा, आप हैरान रह जाते हैं जब इनकी आप इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी तारीख आप पढ़ते हैं, इनके वाकयात आप पढ़ते हैं। तो इनकी असल में देखिए ना, मैं उस तरफ आता हूँ, मगर कोई भी शख्स है उसकी ज़िंदगी के बेशुमार पहलू हुआ करते हैं। वो मुआशरे में अपना एक कोई ना कोई उसका कारोबार होता है, फिर उसका अपना एक ख़ानदान होता है, तो मुआशरे से उसका रिश्ता, अपने अहले खाना से उसका रिश्ता, कारोबार में उसका रवैया, इंसानियत की तरफ उसका रवैया, और फिर खुदा के साथ उसका ताल्लुक जो है, कई इंसान के की शख्सियत के रूप होते हैं, कई रिश्ते होते हैं। इन हस्तियों का कमाल ये है, और कमाल ये था और है और रहती दुनिया तक रहेगा, कि इनके हर हर रवैये जो हैं वो बेपनाह हसीन हैं, इनके तमाम रिश्ते जो हैं वो बेपनाह खूबसूरत हैं। सो आप रिश्तों को ले लें, आप इनकी शुजात ले लें, आप इनकी सखावत ले लें, आप इनकी मोहब्बत ले लें अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स के साथ, अपने मुआशरे के साथ, यहाँ तक कि ये जो अब आजकल बहुत चलता है ना क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत अच्छी बात है कि इंसान को इसकी समझ में आना शुरू हो गई है कि भाई ये कायनात जो है, ये जो ज़मीन है हमारी, ये भी मेटाफोरिक वे में अगर मैं आपसे कहूँ तो कहीं सांस लेती है ना, तो इसकी भी एक जान है, इसकी भी एक ज़िंदगी है, इसका भी आपको ख्याल रखना है। हम देखें ना, धरती माँ इसे कहते हैं। तो आप देखिए कि अकायद व जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हवाले से भी आपको बेशुमार वाकयात मिलते हैं, जिससे बिल्कुल वाज़े है कि उनके हुकूक़ का कैसे आपने ख्याल रखना है। इसी तरीके से जब आप, बड़ा तारीख़ी वाक़िया है कि जब आप इन्हीं के मक्का फ़तह हुआ और फ़ौजें जो हैं वो अकायद व जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाखिल हो रही थी मक्का में, तो आका ने फरमाया कि किसी पौधे को भी नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो अब मसला क्या होता है कि हम लोग इबादत की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, इबादत भी बहुत ज़रूरी है, जो कि इबादत भी आपको एक अच्छा मुसलमान बनाती है। अच्छे मुसलमान बनने का मतलब ही ये होता है कि भाई आप तमाम तर जो बारी ताला के जो अहकामात हैं या जो गाइडलाइन आपको फराहम की गई है ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, आप उस सब पे अमल करेंगे ना, तो इबादत की यकीनन एक अपनी अहमियत है। मगर अफसोस ये होता है कि इबादत जो कुछ हमें सिखाती हैं या इबादत जो कुछ हमसे चाहती हैं, जैसे नमाज के बारे में हम कहते हैं कि भाई फोहश और बुराइयों से रोकती है, तो नमाज हम पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल ब्यूटी तो ये है ना कि नमाज हम इस खुशू खुजू के साथ पढ़ें कि फिर नमाज की तरबियत के बाद, ट्रेनिंग के बाद, नमाज कायम करने के बाद जो रवैया हमसे खालिक कायनात एक्सपेक्ट करता है, हम उसका भी अमली मुजाहरा करें। अफसोस ये होता है बेशतर, हमेशा नहीं मगर बहुत सारी जगह हम ये देखने को मिलता है कि लोग इबादत तो करते हैं मगर उन इबादत के नतीजे में जो अमली तौर पे तब्दीली आनी चाहिए उसका मुजाहरा हमें उस तरीके से नज़र नहीं आता है। सो इबादत की एक अपनी अहमियत है यकीनन। तो ये जो दूसरी चीज़ें हैं, जो जो कायनात के दीगर रिश्ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अकायद व जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अब अगर आप मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं और आप आशिक रसूल हैं, आशिक रसूल होने का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक रसूल होने का आप दावा करते हैं, तो आपके लिए ये एक वाक़या सीरत का काफ़ी है। ये बहुत है ये जानने के लिए कि अच्छा आपको जो अपने इर्द गिर्द जो नेचर है उसकी कैसे हिफाजत करनी है। देखिए ना, मैं अगर आका से मोहब्बत करता हूँ और ये मैंने पढ़ लिया है कि आका ने फरमाया कि जब फ़ौजें दाखिल हो रही है मक्के में कि किसी दरख्त को भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि फिर मुझे किसी बाग से एक फूल को जो है उसको भी बिलावजह नहीं तोड़ना है, और बर्बाद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो आपको याद है, हम जो अक्सर बात करते हैं कि दुनिया अपने तजुर्बात से जहाँ आज पहुँची है, जिसकी आज बात करती है, वो सारे रहनुमा उसूल जो हैं वो 1400-1500 साल पहले अकायद व जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ख़ास तौर पर उनकी
सीरत में, फिर जिन असहाब की उन्होंने तरबियत की उनकी सीरत में जगह 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 हमें नज़र आती है। ये तो बीच में एक जिक्र आ गया ना इसका, पौधे का, और चूँकि क्लाइमेट चेंज का आजकल बड़ा जिक्र होता है, और आपको अगर याद हो तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में ही ये सुनना शुरू किया होगा क्लाइमेट चेंज और ये, और हमारे ज़माने में तो इसका कोई बहुत ज़्यादा तस्करा भी नहीं था दुनिया में, यानी कि बैन अल-अक़वामी तौर पर, मगर मुसलमान की हैसियत से हम जानते थे कि अच्छा पौधे की क्या अहमियत है और नेचर की क्या अहमियत है। अमल हम नहीं करते वो एक अलग बात है, हम जैसे दरख्त काटते हैं, जैसे अपनी नेचर को बर्बाद करते हैं। आप मुझे बताइए कि आकाए दो जहाँ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाला, आपकी सीरत पढ़ने वाला कोई ऐसा कर सकता है? तो और देखें ना, अब वो लोग क्या करते हैं कि जिन चीज़ों को वो रहनुमा उसूल समझते हैं या अपने तजुर्बे से वेस्ट या मॉडर्न सोसाइटीज़ या कोई भी पढ़ा लिखा मुआशरा जिस नतीजे पर पहुँचता है वो उसे कानून बना देता है, यानी कि वो एक तय करता है कि अच्छा भाई ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका ठीक है, फिर उसे कानून बनाता है, कानून बनाने के बाद वो इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर वो जजा सज़ा का कानून रखते हैं, और फिर ऊपर से लेके नीचे तक वो किसी को उस कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं देते। मिसाल के तौर पे पूरे वेस्ट में आप देखिए, या और भी जो यानी कि मॉडर्न जिसे आप महजब कौमें सो कॉल्ड आज के दौर में कहते हैं, या डेवलप्ड कंट्रीज़ जिन्हें आप कहते हैं, वहाँ पे आप दरख्त काट नहीं सकते। और तो और आप जो जगह अपने लिए ख़रीदते हैं उस कैनेडा में या स्टेट्स में, जो जगह आप अपने लिए ख़रीद लेते हैं कि भई अब ये मेरा प्लॉट हो गया, मुझे यहाँ पे कुछ तामीर करना है, ठीक है, उसके अंदर भी जो दरख्त लगे हुए हैं वो भी अगर आपको काटने हैं तो उसके लिए भी आपको जो भी म्यूनसिपलिटी है उनकी, जो भी उनका इदारे हैं, उससे इजाज़त लेनी पड़ती है, और वो बहुत मरतबा इजाज़त नहीं देते हैं, कहते हैं नहीं भाई ये तो एक पुराना दरख्त है, आपने ये ले लिया है जगह, यहाँ पे 10 दरख्त हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, आप अपना नक्शा ऐसा बनाइए कि इस दरख्त को आपने नहीं छेड़ना है। इस कदर यानी कि नेचर की केयर करते हैं। अच्छा हम नहीं करते हैं, बावजूद इसके नहीं करते हैं कि हमारे आका ने बिल्कुल एक वाज़े आपको एक रहनुमा उसूल बता दिया, मगर उस पर हम अमल ही नहीं करते। तो मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ आता हूँ, मगर इसी से एक और बात मेरे जहन में आ गई कि आप देखें अब ये पानी के हवाले से जो हम बात करते हैं ना, अब पानी का ज़ियाँ भी जो है ये एक ज़माने में तो उसका तसव्वुर भी नहीं था, यानी कि आप लोगों की जनरेशन ने देखा है ना कि ये पानी हम ख़रीद के पीते हैं, उससे पहले इसका कोई तसव्वुर ही नहीं था। जो पानी आता था वो खूब हम बर्बाद भी करते थे, ज़ाया भी करते थे, और उसी को हम जनाब पीते भी थे, कोई अलग से पानी ख़रीदने का कोई तसव्वुर नहीं था। अब आप ये देखिए कि आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम मुझे याद आता है कि अगर तुम दरिया के किनारे बैठे हो, लेकिन वो दरिया कितना रवा में बहरा होता है ना, आप अंदाज़ा कीजिए, उस ज़माने की बात है। तो आप देखें ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम मुसलमानों को मुझे अफसोस होता है कि हम मिस करते हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्या मिस कर रहे हैं, क्या चीज़ किस रोशनी को हम अपने तक पहुँचने से रोक रहे हैं। वो रोशनी हमारे इर्द गिर्द है और हम शील्ड्स लगा लेते हैं जब हम सीरत का मुतालिया नहीं करते, या हम उसे पढ़ते नहीं, या समझने की कोशिश नहीं करते। 1400 बरस, 1450 बरस पहले आका फरमाते हैं कि अगर तुम दरिया के किनारे बैठे हो, ठीक है ना, और दरिया बह रहा है, तो भी वज़ू के लिए इजाफी पानी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़रा तसव्वुर कीजिए आप इस कि वज़ू एक आपकी यानी कि नमाज का एक जुज़्व है ना, आपने अगर नमाज कायम करनी है, नमाज पढ़नी है, तो वज़ू उसके लिए लाजमी है अगर पानी अवेलेबल है, वरना तो फिर आप तयम्मुम की इजाज़त भी है, सहूलत भी है। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर आप आका से मोहब्बत करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उनके फरमान पर, उनकी अहादीस पर, उनकी सीरत को पढ़ते हैं और अमल करते हैं, इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है किसी मुसलमान के लिए कि वो एक कतरा भी पानी जो है वो ज़ाया कर सके? क्या हमारी सोसाइटी इस पर अमल करती है? अब ये मेरा आपसे सवाल है। आई मीन नहीं, बट यू नो, लेकिन ये जो मैंने आपको हदीस सुनाई, ये पहले आपकी नज़र से गुजरी थी, आपने सुनाई थी ना, कि दरिया के किनारे आप बैठे हैं तो वज़ू के लिए भी इजाफी पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना, ये नहीं कि आप उसे बर्बाद करें, हालांकि दरिया है, बहरा है दरिया। तो नेचर को प्रिजर्व करना, उसका ख्याल रखना, उसकी अहमियत को समझना, वो ऐन आपके यानी कि मैं समझता हूँ कि दीनी फरीज़ा है, क्योंकि जब हम सीरत पर चलने की बात करते हैं, माकायद जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया है, हमारी ख्वाहिश होती है कि भाई हम बढ़ चढ़ कर उस पर अमल करें। तो आप ये देखिए कि सारी चीज़ें जो है उसमें आती हैं।
तो बेपनाह सेंसिटिविटी जो है पूरी इस कायनात के हवाले से, इंसानों के हवाले से। अब ये जो मैं बात कर रहा था, अगेन मैं देखे ना, अब ये जो इसके पीछे फ़लसफ़ा है ना, वो क्या है, असराफ को यानी कि जो जो ज़यां है किसी चीज़ का, किसी भी जो वसाइल हैं आपके, उसको शदीद नापसंद किया गया है। ठीक है, अब हम चूँकि सखावत की बात भी कर रहे हैं, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी बात कर रहे हैं, अब उसके अंदर असराफ का भी एक पहलू आ गया। तो ये बड़ी, ये जो शख्सियात थी हमारी और हैं, बहुत ही एक बैलेंस्ड रवैया आपको इनके यहाँ मिलता है। मैंने आपको याद है एक शुरू में एक मिसाल दी थी कि जैसे वो रस्से के ऊपर चलता है ना इंसान, और रस्से के ऊपर चलता दौड़ता चला जाता है, उस कदर यानी कि इस कदर फहम होता है उसे अपना बैलेंस कायम रखने का, ज़िंदगी का इतना शऊर होता है कि ना दाएँ गिरता है ना बाएँ गिरता है, जिसे कहते हैं ना सिरात मुस्तकीम पर वो दौड़ता आदमी चला जाता है, अगर वो इस पूरे फ़लसफ़े को ठीक तरीके से समझ ले। अब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और वो हाजतमंद था। अब बता, उनको उस्मान गनी कहा ही गनी जाता था, बेपनाह सखावत में आपकी, आपका जो मकाम है यानी कि उसकी एक अपनी अहमियत है इस पूरी, जितनी आप जब आप शख्सियात को देखते हैं तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक अपनी जगह है, एक अपना मकाम है, बिल्कुल आपको मुनफरिद एक शख्सियत जो है वो एक मकाम पे फ़ाइज नज़र आती हैं। तो ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है, आप सोचिए कि कोई शख्स जो है किस कदर यानी कि आकाए दो जहाँ हमारे आका एक वालिद की हैसियत से, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए ना, इसको ज़रा खोलिए आप ज़रा इस बात को। बाज़ औक़ात होता है कि हम चीज़ों को सरसरी, उमीर का शेर है ना कि सरसरी तुम जहान से गुज़रे, कि बाज़ औक़ात हम सरसरी चीज़ों को देख के हम गुज़र जाते हैं। तुमने सुन रखा होगा, याद भी करा है, पैसे लिए थे बहुत इसके ना, है ना। दूसरा मिजरा क्या है, वरना हर जहाँ जहाँ ने दीगर था, है ना। तो कि हम उस पर गौर नहीं करते। अच्छा, कुरान भी बार बार आप ये देखिए कि गौर के, फ़िक्र के, तदब्बुर के ऊपर इतनी आयात हैं कि और तुम गौर क्यों नहीं करते खुदा की बनाई हुई कायनात पे, इन आसमानों पे, इन ज़मीनों, मफहूम उसका ये है, ज़मीनों पे ये जो चरिंद हैं, परिंद हैं, उसका मफहूम ये है कुरान की आयात का, कि गौर और फ़िक्र और तदब्बुर, ये जो कुछ इंसान ने अचीव किया है ये गौर फ़िक्र और तदब्बुर का नतीजा है ना। जब आप गौर और फिक्र करते हैं उससे सवाल पैदा होता है, जब सवाल पैदा होता है आप उसकी खोज में निकलते हैं, जब खोज में निकलते हैं तो फिर आपको नतीजे के तौर पर जवाब मिलते हैं, वो जवाब आपके लिए आसानी और आसूदगी फराहम करते हैं। बाज़ औक़ात उन जवाबों से नए सवाल पैदा होते हैं, उन नए सवाल से फिर आप नए जहानों की तरफ जाते हैं। आकायद व जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों की शादी, एक का जब यानी कि विसाल हो गया तो उसके बाद दूसरी जो साहबजादी थी उनसे आपका निकाह हुआ। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि इसको ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि एक वालिद हैं, वो वालिद किस कदर अपने, जिसको हम यानी कि आज के रिश्तों के उसमें जब हम दामाद कहते हैं ना, किस कदर आपसे खुश होंगे, किस कदर मुतमईन होंगे कि एक साहबजादी के विसाल के बाद दूसरी साहबजादी का निकाह जो है वो उन्होंने उसी शख्सियत से किया। तो लाजिब बात है कि वो शख्सियत किस कदर शफीक, किस कदर मेहरबान, अपनी अहलिया के साथ उनका ताल्लुक किस कदर खूबसूरत होगा। लाजिब बात है कि उनकी जो साहबजादी हैं अकायद व जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अपने वालिद से तस्करा तो करती होंगी ना, और घर में तस्करा होता होगा कि भाई मेरे जो शौहर हैं उस्मान गनी, वो उनका रवैया क्या है मेरे साथ। तो किस कदर खूबसूरत रवैया होगा कि जिसके बाद अकायद व जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी जो साहबजादी हैं उनका निकाह भी उनसे करना पसंद फरमाया। तो इस हवाले से मैं एक बड़ी अहम बात आपके साथ शेयर करूंगा, मगर वो मेरे में इशारा कर रहे हैं कि भाई ब्रेक का वक्त हो गया है, तो आप जरा ब्रेक की तरफ जाइए, फिर वापस आकर यहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, अच्छा, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और फिर आके हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। Thank you.
वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले आप हमें बता रहे थे। हाँ, हम बात कर रहे थे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और उनकी जो शख्सियत के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, जो सारे के सारे बेपनाह हसीन हैं, बेपनाह खूबसूरत है, बेपनाह चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। अब जैसे ना, यही आप देखिए, जो हम अभी हमने बात की थी आपके ज़ुन्नूरैन होने की ना, इसी को अगर आप देखिए तो ये बड़ी खूबसूरत बात। एक पहलू मैंने आपको बताया कि एक वालिद की हैसियत से कि किस कदर वो वालिद खुश थे, यानी कि हमारे आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बाप की हैसियत से किस कदर मुतमईन थे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि अपनी दूसरी साहबजादी का निकाह भी आपने उनसे करना पसंद फरमाया। अब दूसरा पहलू आप ये देखिए, अब ज़रा आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रवैये पर आ जाएँ कि किस कदर अच्छे वो शौहर होंगे, किस कदर शफीक, किस कदर उम्दा उनका रवैया होगा अपनी अहलिया के साथ, कि जो उनका यानी कि जो उनकी अहलिया का जो के जो वालिद थे, जो पूरा घराना था, वो किस कदर उनसे खुश था। तो कई पहलू इसके अंदर हैं, ठीक है ना, ये आपकी शख्सियत का। दूसरे जो एक एजाज़ अलग से बिल्कुल एक इस हवाले से है कि जितने भी पैगंबर यानी कि तारीख़ में आए हैं, उनमें से किसी को ये एजाज़ हासिल नहीं है कि किसी पैगंबर की जो साहबजादी हैं, एक साहबजादी के बजाय दो साहबजादियाँ जो हैं वो किसी शख्सियत के किसी हस्ती के निकाह में आई हूँ, तो यानी कि ये भी एक बिल्कुल एक मुनफरिद बात है, तो बिल्कुल आपको अलग कर देती है, यानी कि सारे उससे एक अलग मकाम पर फाइज करती है। और फिर हम बात कर रहे थे उनकी सखावत के हवाले से, और मैं आपको बता रहा था कि ये जो बैलेंस क्रिएट करना है शख्सियत के हवाले से, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कोई हाजतमंद आया। आपको पता, उस ज़माने में तो सादे घर होते थे ना, तो कुछ साउंड प्रूफिंग का कोई बहुत ज़्यादा कोई इंतज़ाम उस तरह से तो नहीं था। तो अक्सर औकात अगर आप गुज़र रहे हैं या आप दरवाज़े पर या जहाँ पर्दा लगा है उसके बाहर अगर आप खड़े हैं, तो अंदर जो गुफ्तगू हो रही है बाज़ औक़ात आप सुन सकते हैं। आज भी अगर लोग चाहें तो उन लोगों के कानों में पड़ जाती है, ज़रूरी नहीं कि आप सुनना चाहें, गुज़र भी रहे हैं तो बाज़ औक़ात घर की आवाज़ आप तक आ जाती है। तो वो हाजतमंद आया तो उसको पता था कि भाई मैं इस दर पर जाऊँगा तो मेरी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाएगी। तो जब वो आया तो उसने देखा कि अब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस्मान गनी के नाम से यानी कि उस हैसियत से जाने जाते थे, जिनके पास वो बहुत उम्मीद लेके आया था कि भाई इस दर से तो मुझे खाली नहीं लौटाया जाएगा, तो घराना ही सारे का सारा जो है, पूरा खानवादा जो है, तो सखियों का घराना है, पूरा ख़ानदान सखियों का है। तो उसने देखा कि आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अहलिया से इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि जो चराग है, उस ज़माने में चराग होते थे, चराग कह लें, दिया कह लें, उसकी जो बत्ती है वो मोटी है, वो जो उसके ऊपर बत्ती, तो जो बत्ती मोटी होती है तो जो दिए का तेल होता है वो ज़्यादा खाती है, जब बारीक होगी तो रोशनी तो वो देगा पूरी, बत्ती बारीक है तो फिर वो तेल जो है वो कम होगा। अब ये किस कदर यानी कि कैसी शख्सियत के हवाले से, जिसने ग़ज़वे तबूक के मौके पर 1,000 ऊँट, 1,000 ऊँट, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, 1,000 ऊँट जो थे वो मुसलमानों को दिए थे ग़ज़वे तबूक के मौके, और 70 घोड़े भी दिए थे, ठीक है ना। इस कदर यानी कि सखी दीन इस्लाम के हवाले से, अपनी कंट्रीब्यूशन के हवाले से, 1,000 ऊँट मतलब मुंह से निकालना आसान होता, आज भी यानी कि करोड़हा रुपए मालियत आप समझिए, आज के दौर में अगर आप समझिए उसको, अगर आप कन्वर्ट करें उसको ना, 1,000 ऊँट और 70 घोड़े जो है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कमी बेशी यही फिगर मेरा हाफ़ा अगर ठीक काम कर रहा है आता है तारीख में। अब ऐसी हस्ती जो है वो बात कर रही है कि भाई एक दिया जो है उसके अंदर तेल जो है वो इजाफी इस्तेमाल हो रहा है, इस पर आप गुफ्तगू कर रहे थे अपनी अहलिया से। तो अब वो जो हाजतमंद था उसने कहा कि भाई यहाँ से मुझे अगर ये इस वक्त गुफ्तगू हो रही है तो शायद मेरी हाजत पूरी नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हाजत उसकी चूँकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी और एक पूरी तारीख भी थी, तो उसने सुन तो लिया मगर उसने फिर दस्तक दे दी या आवाज़ दी। और फिर उसके बाद उसने कहा कि जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो उसने कहा जी मेरी इस तरह ज़रूरत है, तो आपने पूछा कि भाई कितनी ज़रूरत है, तो उसने कहा कि मेरी ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपने कहा कितनी ज़रूरत है, उसने कहा बहुत ज़्यादा है। तो आपने उनका हाथ थामा उस हाजतमंद का और उसे बाहर ले गए जहाँ पर, चूँकि ताजिर थे बहुत मारूफ और बहुत बड़े ताजिर थे, तो जहाँ पर आपका सामान होता था, आपने कहा इसमें से जितना सामान तुम्हें चाहिए
क्या ये भी तुम्हारी ज़रूरत से कम है? वो हैरान रह गया। उसने कहा नहीं, ये तो मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, मेरी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा है, मगर ये सामान तो है, ये तो मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। तो आपने फरमाया कि ठीक है, तुम अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। अब उससे रहा नहीं गया। गैर मामूली बात है ना कि बैक वक्त एक शख्सियत घर में ये डिस्कस कर रही है कि चिराग की जो बत्ती है वो मोटी है, उसकी वजह से तेल ज़ाया होता है। हम इसको और ज़रा खोल के समझने की कोशिश करते हैं कितना तेल ज़ाया हो गया होगा। यानी कि भाई एक चिराग अगर दो रातें चलना है तो एक रात चल जाएगा। तो ऐसी हस्ती जो आज के हिसाब से अरबहा पति हैं, अरबहा पति, मैं बेशुमार मिसालें, बहुत पैसा था आपके पास, बहुत मालदार शख्सियत थी, उसके लिए क्या इसकी हैसियत है? और फिर जो सखी भी इतना है, ऐसा तो नहीं कि नाउज़ बिल्ला तौबा खुदा ना खास्ता वो कोई पैसा खर्च नहीं करते थे। तो अभी उसको समझ नहीं आई उस हाजतमंद को, तो उसने पूछा कि भाई ये रहा नहीं गया, जैसे कहते ना ज़रूरत तो पूरी हो गई, मगर उसने पूछा कि भाई ये क्या मामला है? एक तरफ तो मेरी बहुत ज़रूरत थी, मैं तो मेरे तो जहन में था कि शायद ये बहुत ज़रूरत जो है ये पूरी नहीं हो पाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा मैं नीडी था, और आपने जो माल मेरे सामने मुझे दे दिया वो तो मेरी ज़रूरत से भी कहीं ज़्यादा है। तो मगर दूसरी तरफ ये आलम है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई चिराग की जो बत्ती है वो मोटी है, उसको बारीक इस्तेमाल करो। और इस मौके पे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जुमला कहा उसका मफहूम बड़ा शानदार। ये अरब्स में और ये जो हस्तियाँ थी तो बड़ी काबिल और बलागत तो यानी कि इन हस्तियों की गुफ्तगू में ऐसी है कि आप एक एक जुमले को आप अगर सीखना शुरू करें, उस पर गौर करना शुरू करें, तो आप किताबों की किताबें लिख सकते हैं उसके ऊपर। तो आपने कहा कि वो जो चिराग की बत्ती के हवाले से आपने कहा कि एक तरफ मुझे असराफ़ का खौफ था, ठीक है ना, कि भाई कहीं मैं असराफ तो नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ अजर की उम्मीद है बारी ताला से। यानी कि एक तरफ अजर की उम्मीद है कि मैं अपना करोड़ा रुपया जो है वो मैं अल्लाह की राह में देने के लिए तैयार हूँ, चूँकि उससे मुझे अजर देगा बारी ताला, और एक कतरा जो है वो भी मैं ज़ाया नहीं करूँगा, चूँकि वो खौफ है एक कि ये चूँकि बारी ताला ने इसको नापसंद फरमाया है, ये असराफ़ के ज़ुमरे में आएगा। तो ये जो बैलेंस क्रिएट करना है ना, ये भी हमें इन हस्तियों से सीखना चाहिए। असराफ जो है, ज़यां, बारी ताला ने, कुदरत ने जो कुछ आपको अता किया है, जो जो नेचुरल रिसोर्सेज अता किए हैं, जो ज़िंदगी में अता किया है आपको, आपकी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत नहीं है आप के घर में मिसाल तौर पर आप गए किचन में और गैर ज़रूरी लाइट जल रही है, आपके पास खरबा रुपया भी क्यों है, मगर उस फिर अगर वो लाइट आप जला रहे हैं उसका शायद 10 रुपये भी बिल आया है, हमारा ये ईमान है कि उसका आपको हिसाब देना होगा, चूँकि वो असराफ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये जो बैलेंस क्रिएट करना होता है ना, तो उन्होंने कहा कि वो असराफ में शुमार होना, उसका मुझे हिसाब देना होगा, दूसरी तरफ अगर मैं सखावत पे माइल नहीं होऊंगा तो फिर ये जो है इसका भी मुझे हिसाब देना होगा कि भाई मेरे पास एक हाजतमंद आया था और मैंने उसकी मदद नहीं की, मैं उसकी मदद कर सकता था, ठीक है ना। तो ये दूसरी तरफ मामला जो है ये मेरे अल्लाह का और मेरा मामला है। तो ये जो बैलेंस क्रिएट करना है इन हस्तियों से, ये हमें सीखना चाहिए। अमूमन हम दीन इस्लाम से हम जब सीखते भी हैं तो बहुत हम इश्क और यानी कि जो जज्बात हैं वो तो हम सीखते हैं, मगर ये जो प्रैग्मेटिज्म है, ये जो एक रैशनल अप्रोच है टूवर्ड्स लाइफ, ये हम बाज़ुकात मिस कर जाते हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक और याद आ गया, आपको याद है मैं उनका बड़ा मद्दा हूँ, हकीम सईद मरहूम, अगेन हमारे सामने की शख्सियत, और वो भी अरबों गालिबन खरबों पति शख्सियत होंगे, ठीक है। आपको पता है हकीम सईद क्या फरमाते थे? अब चूंकि ये सारे उसी लड़ी से जुड़े हुए लोग हैं ना, उसी पात को फॉलो करने वाले लोग हैं, हकीम साहब बहुत काबिल शख्सियत थे और बहुत दीनी और मजहबी रुझान रखते थे, दीन इस्लाम के फ़लसफे को समझते थे। यही वजह है कि मैंने आपको बताया कि उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट जो हैं वो वक्फ पाकिस्तान है, यानी कि उससे जो भी इनकम आती है वो पाकिस्तान को जाती है, पाकिस्तानियों को जाती है। तो हकीम सईद मरहूम कहा करते थे कि एक टिशू पेपर भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए मदीनतुल हिकमत बनाया उन्होंने और बेशुमार उनके पास पैसा भी था और सारा वो था, मगर एक टिशू पेपर जो है उसका भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अब ये जो फहम और फरासत है, ये जो दानिश है, ये जो शऊर है, ये जो बलागत है, ये जो हिकमत है, जो विजडम है, ये भी हमें सीखना चाहिए। तो हम अमूमन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत के हवाले से बात करते हैं, जो यकीनन हमें करनी चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए, मगर ये जो पहलू है ये मेरा नहीं ख्याल कि शायद आप ने पहले सुना होगा या डिस्कस किया होगा,
अगर सुना होगा तो अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने बात को सुना भी होता है, मगर वो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई वो हाजतमंद आया और आप उसका हाथ थाम कर ले गए और आपने उसे कहा कि जो तुम्हें चाहिए ले लो, और उसने कहा मेरी ज़रूरत बहुत बड़ी थी मगर ये मेरी ज़रूरत से ज़्यादा आप दे रहे हैं। मगर उसके साथ ही ये जो चराग़ की बत्ती वाला पहलू है कि असराफ नहीं करना, बैक वक्त, बैक वक्त आपने अरबों रुपए जो है वो आप खैरात में दे सकते हैं, आप सदकात में दे सकते हैं, मगर ज़ाया आपको एक कतरा भी नहीं करना, ठीक है। अब देखिए हम सीखते कैसे हैं, आपको शायद इल्म होगा कि वो मैं अपने घर में जब शेफ करता हूँ तो मैं वो जो नल का पानी है, जब से मुझे इल्म हुआ और इन चीज़ों से जुड़े और हमें रियलाइजेशन हुई, तो मैं वो जो एक डोंगा सा वो मैंने रखा हुआ है और उसके अंदर मैं शेव करता हूँ, कई गैलन पानी जो है वो मेरे ख्याल में मैं बचा लेता हूँ, और वही काम जो है मेरा वो एक डोंगे में हो जाता है और आप उसे अपना अपनी हाजत पूरी करें। और अब शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे घर की इकोनॉमी पे, मगर उस पर, मगर एक खुदा तो है जो मुझे देख रहा है। फिर जिन हस्तियों को मैं फॉलो करता हूँ उन्होंने जो मुझे सिखाया है, और उससे एक तमानियत मुझे हासिल होती है, एक कहीं एक कंट्रीब्यूशन का एहसास होता है, और कहीं ये रहता है कि जब मैं मरूंगा और तो मैं कह सकूंगा कि बारी ताला मैंने देखी तेरे इस फ़लसफ़े को जो अकायद व जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताया गया, सिखाया गया, उस पर कहीं थोड़ा बहुत अमल करने की कोशिश की। तो और वेस्ट मैं देखता हूँ कि इस हवाले से बहुत अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करने के हवाले से, उनको ख़र्च करने के हवाले से बड़ा मोहतात है, उसको ये बात समझ में आ गई है। हमारी जो मुकद्दस हस्तियाँ हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, उनके हर हर फेल में इस तरह के सैकड़ों नुक्ते हैं, मगर हम उस पर नज़र नहीं करते। अगर नज़र करते हैं तो सीखते नहीं, सीखते हैं तो उस पर अमल नहीं करते। नो दैट्स इनक्रेडिबल। मैं चाह रही थी कि हम इसी को कंटिन्यू रखें, हमें बस किचन की तरफ जाना है। अच्छा, मैं जब वापस आऊँगा ना तो मैं आपके साथ एक ये जो पानी का ज़ियाँ और नेचुरल रिसोर्सेज का ज़ियाँ जो हमें, मैंने आपको कई वाक़यात आपके साथ शेयर किए ना, हमें पिछले सेगमेंट में हमने अकायद व जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस शेयर की, फिर ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मैंने वाक़या आपसे शेयर किया ये चिराग वाला, इस हवाले से मैं आपको एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग शेयर करूँगा। अब जो दुनिया भी जिसको समझती है, जिस पर अमल करती है, जैसे अपने लोगों को सिखाने की कोशिश करती है, मगर चूंकि आपको ब्रेक का वक्त हो गया तो वापस आकर उस पर भी बात करेंगे और सिला रहमी पर भी हम कर लेंगे। ठीक है, अब भी हम चलते हैं अपने किचन सेगमेंट की तरफ। ओवर टू यू डॉक्टर हिना। फ्लेम मैंने हाई कर ली है, अब हम स्टार्ट करते हैं हांडी को बनाने। जल फ्रेजी हांडी बना रहे हैं हम, लॉर्ड्स स्पेशल जल फ्रेजी हांडी। तो सबसे पहले हम लेंगे 150 ग्राम्स ऑफ ऑयल। इतनी इजी हांडियाँ होती हैं और इतना अच्छा टेस्ट होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे अब चॉप हुआ हुआ चिकन जो कि 300 ग्राम्स है और ये बोनलेस है। ओके, अब चिकन का कलर जब तक लाइट ब्राउनिश नहीं होता तब तक हमने इसको फ्राई करते रहना है ऑयल में। फ्लेम इसकी मीडियम हो गई है, चिकन अब फ्राई हो रहा है स्लोली स्लोली। साथ ही साथ हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालते रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ जितनी पहली रेसिपीज मैंने आपको बताई हैं डेली वो आपने बना के ज़रूर ट्राई की होंगी। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका बनाने का दिल नहीं कर रहा तो आप लॉर्ड ऑफ फूड पे ज़रूर आएँ और हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। चिकन वाइट हो रहा है लेकिन हमने इसको लाइट ब्राउनिश करना है। ओके, साथ ही हम इसमें ऐड कर लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1 टीस्पून हमने डालना है इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ आप चम्मच को हिलाते रहें ताकि आपका जो लहसुन है वो पैन के साथ चिपक ना जाए। चिकन हमारा जो है लाइट सा ब्राउनिश हो रहा है लेकिन जब तक ये गोल्डन नहीं होगा हमने इसको पकाना है, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस आप प्लीज़ इसको ट्राई किया करें घर पे ज़रूर और मुझे फीडबैक दिया करें कमेंट्स में कि कैसी लगी आपको और जब आपने बनाई तो कैसा टेस्ट आया। अब हमारा चिकन
राइस गोल्डन हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड करती हूँ सम टोमेटो पेस्ट। फिर मैं ऐड करती हूँ अनियन पेस्ट। हार्डली 8 to 10 मिनट्स लगते हैं आपको इस हांडी को बनाने के लिए। अब मैंने ये चीजें ऐड कर ली हैं दोनों पेस्ट्स को, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया पेस्ट को। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1/2 teaspoon हम ले लेंगे सॉल्ट, 1 teaspoon हम ले लेंगे इसमें हल्दी, 1 teaspoon ऑफ रेड चिली, सुरख मिर्चें। परफेक्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। कोई डिफरेंट स्पाइसेस नहीं है, कोई तेज स्पाइसेस नहीं है जो आपकी स्टमक की एसिडिटी को इंक्रीज करें, या कोई भी इसके अंदर ऐसी चीज नहीं है। और हाँ, जो ऑयल आप यूज करते हैं वो हमेशा स्पेशली रमजान में कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल यूज किया करें। ट्राई कीजिएगा कि साथ साथ आप इसको चम्मच को हिलाते रहें ताकि आपका चिकन नीचे ना लग जाए या इसका पेस्ट जो है वो पैन के साथ ना लग जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। ये मैंने चॉप किया हुआ प्याज लिया है, चॉप हुए हुए टमाटर हैं और कैप्सिकम है, शिमला मिर्च ये हमने इसमें ऐड कर दी। आपका चिकन भी हो गया, आपके वेजिटेबल भी हो गया, ये चीज़ें मैं साइड पे कर लेती हूँ। जल फ्रेजी का मैंने पहले भी आपको बताया था कि दोनों फायदे हैं, आपका वेजिटेबल टेस्ट भी आ जाता है, आपका चिकन टेस्ट भी आ जाता है। इसको आपने पकाते रहना है ताकि आपके वेजिटेबल्स भी थोड़े नरम हो जाएं और आपका जो चिकन है वो बिल्कुल गल जाए। हमारा चिकन पक रहा है, वेजिटेबल्स जो हैं वो भी सॉफ्ट थोड़ी हो रही हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। हर बार कहती हूँ, इस बार भी बोलूँगी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, इतना बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, और इसमें रौनकें कितनी ज़्यादा होती हैं। अफ्तार टाइम पे आप सब इकट्ठे होते हैं, एक दस्तरखान पे बैठते हैं, आप अफ्तारी करते हैं, आप अपने घर वालों के साथ बैठते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सब अपने अपने रूटीन में इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता अपने पेरेंट्स के साथ बैठने का। स्पेशली हम यंग जनरेशन हैं जो, हमें तो पता ही नहीं है अपने पेरेंट्स को टाइम देने का। तो ये एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला इतनी रहमतें नाजिल करता है और आपको एक दूसरे के करीब लाने के मौके देता है, तो इनको मत खोया करें। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 teaspoon ऑफ गरम मसाला, 1/2 teaspoon ऑफ जीरा, 1/2 teaspoon ऑलमोस्ट हमारी जलफ्रेजी हांडी जो है वो बनने के लिए रेडी है। परफेक्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट पर 70 grams ऑफ क्रीम, जो कि आपके टेस्ट को डबल कर देगी। क्रीम को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी वेजिटेबल्स भी बिल्कुल ठीक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, और हमारा चिकन भी अच्छे से पक चुका है। बस मैंने इसको 1 मिनट के अंदर क्रीम को मिक्स करना है, अच्छे से शेक करना है। अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं, खाएं, मज़े करें, और मेरी रेसिपीज़ को भुलाना ना भूलिएगा। परफेक्ट। हांडी जो है वो रेडी है। हांडी इज रेडी। खुशबू इज टू गुड एंड आई थिंक सो टेस्ट भी अच्छा होगा बहुत। इसको हमने डिश आउट कर लिया है।
चलें अब मैं इसको गार्निश कर लेती हूँ। हरा धनिया कटा हुआ मैंने रखा हुआ है पास। मेरी जलफ्रेजी हांडी रेडी है। खुशबूदार लजीज मज़ेदार जलफ्रेजी हांडी इज रेडी टू ईट। लेकिन अभी अफ्तारी तक वेट कीजिएगा, मेरी रेसिपीज़ को इंजॉय कीजिएगा और ज़रूर बना के मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपका टेस्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज और एक्सेसिवली किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के बारे में। आप हमें क्या एग्जैक्टली बता रहे थे? मैं आपको बताने जा रहा था, एक मुझे याद है, मैं बाहर ठहरा हुआ था तो ऐड जो था, एक CNN का ऐड मुझे आज भी याद है कि पब्लिक सर्विस मैसेज होगा। अब ये तो मुझे याद नहीं कि कैसे था वो, मगर मुझे आज भी याद है उसका तासुर। उसने दिखाया वो मेकर्स ने ना कि वो इसी तरह एक आदमी जो है ना शेव कर रहा है और इस बीच में पानी जो है वो खुला हुआ है, ठीक है, और फिर वो जाता है तो पानी बंद कर लिया उसने, बिल्कुल पूरी रफ्तार से नहीं खुला हुआ, थोड़ा सा खुला हुआ और चंद कतरा कतरा करके ना बह रहा है, ठीक है। और उसने दिखाया कि फिर वो पुल आउट करता है कैमरा जो है, पुल आउट करता है तो उसने दिखाया कि बेसिकली बहुत बड़ी बिल्डिंग है और सुबह के वक्त सब यही कर रहे हैं, तो वो कतरा कतरा एक अपार्टमेंट दूसरा अपार्टमेंट, उसने दिखाया कि जैसे सैकड़ों अपार्टमेंट्स हैं ना, और हर शख्स जो है वो चंद कतरे जो है वो ज़ाया कर रहा है। फिर वो जो ट्रिल डाउन करके कैमरा वो नीचे आता है तो दिखाता है कि वो चंद कतरे जो हर घर ज़ाया कर रहा है वो नीचे बाकायदा एक यानी कि एक फ्लड की सी सूरत में वो बाहर निकल रहा था। तो बाज़ूकात हम बहुत छोटी सी चीज़ें कर रहे होते हैं मगर जब वो कसरत से पूरा मुआशरा कर रहा होता है तो उसका नुकसान जो है वो एक बहुत बड़े, यानी कि उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत एक बड़े नुकसान की शक्ल में आपके सामने आ सकता है। तो मैं ये जब पढ़ता था ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये वाला वाक़या, तो मैं इब्तिदा में भी जब मैंने शुरू में पढ़ा मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार ये क्या हस्तियाँ थी, क्या ये लोग थे। और अफसोस अगेन वो मुझे बार बार इकबाल का अल्लामा का वो याद आता ना कि भुला दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। यानी कि इस कदर खूबसूरत चीज़ें ज़िंदगी गुजारने के हवाले से हमें बताई गई हैं, ज़रा सा हम पढ़ें एक एक बात में, एक एक हदीस में, एक एक वाक़े में, एक एक कॉल में, इतना कुछ है कि यकीन करो बेटा कि ये दुनिया जो है ना वो बिल्कुल इसे कहते ना जन्नत का नमूना बन जाए। और हर तरह की जो तरक्की है, दुनियावी तरक्की, मादी तरक्की और जिसे कहते हैं रूहानी तरक्की और आखिरत और दुनिया दोनों आपकी समझ जाए। क्योंकि दीन की ना एक और बड़ी कमाल बात है अगेन कि दीन जो है ना वो जितनी भी हलाल चीज़ें उसने कही हैं वो उस हवाले से अगेन वो बार बार कहता है कि असराफ को बारी ताला पसंद नहीं। कुरान की एक आयत का मफहूम है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से खाओ पियो मगर देखो असराफ नहीं करो। उसका मफहूम ये है कि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता है। और अगर आप देखें कि इसको अगर आप अपनी सेहत पे ही लागू कर लें और अगर आप इसको कलील मकदार में या मुनासिब जितनी ज़रूरत होती है, देखो ना आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया कि मेरे सहाबी बहुत भूख लगती है तो खाने बैठते हैं और अभी भूख होती है तो खाना छोड़ देते हैं। तो हर चीज़ में जब आप म्याना रवि इख्तियार करते हैं ज़िंदगी का कोई भी रवैया हो, ठीक है ना, यहाँ तक आपको पता है कि अब ये देखें दो आपको चीज़ें बताई जाती हैं ना,
अगेन वो बैलेंस आपने ख़ुद क्रिएट करना है, वो इंसान ख़ुद क्रिएट करता है कि भाई किस वक्त उसको क्या फेल जो है करना है, क्योंकि नियत और उसके हालात, हकीकी हालात तो अल्लाह ही देख रहा है ना, और वो जानता है। तो कुरान की एक आयत का मफहूम है, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है कि ना इतना ज़्यादा अपने हाथ को, इतना कंजूस हो जाओ कि अपने हाथ को सीने से लगा लो कि बिल्कुल ही तुम्हारे पास है और तुम एक पैसा निकालने को तैयार नहीं हो, और ना इतना ज़्यादा यानी कि जैसे कहिए कि खर्च करने पे आ जाओ, इतना ज़्यादा उस पे आ जाओ कि तुम्हें तंगी हो जाए। तो एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करो, और फिर साथ साथ दूसरी तरफ ये भी बताया कि हाँ अगर तुम बढ़ना चाहते हो उसमें, और ठीक है थोड़ा सा तुम्हें लगता भी है कि भाई अगर तंगी हो रही है मगर किसी का काम हो रहा है, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल है मगर किसी के लिए आसानी है, फिर उसका जो अजर है वो तो फिर अल्लाह ही देगा। तो ये सारा मामला है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से जो आप वाली जनरेशन है, आप लोग, इनके तो बड़ी अवेयरनेस है आजकल। आई थिंक हाँ, नहीं दैट इज़ ट्रू, एक तो इंक्रीसिंग अवेयरनेस है, दूसरा आई थिंक कि पहले एक ये नैरेटिव था कि ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स को करना चाहिए यू नो बी मोर माइंडफुल, जिसे बोलते हैं कि आप किस तरह कंज्यूम कर रहे हो, स्पेशली विद लाइक थिंग्स लाइक मे बी फास्ट फैशन और इस तरह की चीज़ें। बट आई थिंक अब यू नो लाइक लोगों का ज़्यादा फोकस इस बात पे है कि जो बिग कॉरपोरेशंस हैं वो अपना जो है वो रोल अदा करें, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स जो बहुत सारे आते हैं और फिर वो अपना रोल प्ले करते हैं, तो ऑब्वियसली इट हैज़ अ बिग इम्पैक्ट। बट दीज कॉरपोरेशंस अलोन, उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट है, एंड इट्स देम जो एटलीस्ट फ्रॉम टू माई अंडरस्टैंडिंग कि उन्हें यू नो दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल एज वेल, नॉट जस्ट सेइंग कि ओ सिर्फ उन्हें होना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग तो जो छोटी कोशिश हो सकती है वो तो करते ही हैं और कोशिश करते हैं कि हम करें, बट आई थिंक कि अब ये जो बिग कॉरपोरेशंस हैं जो प्रोडक्शन करती हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़्यादा माइंडफुल हों कि उनका जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट जा रहा है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट क्लाइमेट चेंज, इट्स ऑल ऑफ दीज अदर थिंग्स एज वेल जो अब हमें इम्पैक्ट करना शुरू कर रही हैं। और यू नो आप देखो ना, हमेशा इस पे बात करते हैं, होता क्या है कि अब जैसे जिन वाक़यात का हमने जिक्र किया ये आपको एक उसूल बता दिए गए, ठीक है ना, अब आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आप उन्हें लागू करें, ठीक है ना, उन पर अमल करें, और जहाँ जहाँ इस हवाले से इन्हीं के कॉरपोरेशन आ रही हैं या मुख्तलिफ कारोबारी शक्ल इख्तियार हो रही है और उसके तहत अगर कुछ नुकसान हो रहा है नेचर को या रिसोर्सेज को, तो उस हवाले से आप कवानीन बनाएं, उसूल आपको बता दिया गया ना। अब बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअल के लिए आप थोड़ी सी उसकी ज़िंदगी को आसान भी करते हैं, अब आप ये तो नहीं कर सकते कि उसके घर जाके आप जनाब पहरा बिठा देंगे कि भाई पानी ज़ाया कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी आप तरबियत कर देते हैं, मगर जहाँ पे बिज़नेस ग्रुप्स हैं या जो कॉरपोरेशंस हैं या जो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज वाले हैं, वहाँ पर आप इन्हीं उसूलों के तहत कवानीन बना देते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसूल तो आपको बता दिए गए थे, बता दिए गए हैं, अब आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, उन कवानीन को बनाते नहीं हैं और फिर उनको लागू नहीं करते हैं, अब ये तो आपका कसूर है ना। वेस्ट देखे ना इस हवाले से, वो कवानीन बनाता है और उसके बाद लागू करता है। एक्चुअली द वर्स्ट। यस। नहीं नहीं नहीं, वो है अपने मुल्कों में उन्होंने बहुत बेहतर कर लिया, क्योंकि अब आउटसोर्स कर देते ना, तो दूसरी कंट्रीज करती हैं। अभी देखे ना कोल का, कोल एनर्जी का जो मामला है, दीगर वो है, अपने मुल्कों में उन्होंने सब बंद कर दिया, ठीक है ना, और इवन दूसरे ममालिक में भी जहाँ जहाँ उनके सियासी मफादात टकराते नहीं हैं, कहीं कहीं वो इजाज़त दे देते हैं, कहीं कहीं नहीं देते, मगर लेकिन आप उसको मुनाफिकत कह लें उनकी, मगर इसकी दाद तो देंगे ना कि कम से कम अपनी जो विद इन जो उनकी टेरिटरी है, जो उनकी सरहदें हैं, अपने लोगों के साथ तो सिंसियर है ना, हम तो अपने लोगों के साथ भी सिंसियर। बट आई थिंक वही द थिंग विद ये एनवायरमेंटल वो इज के इट्स रियली इंटरेस्टिंग के इट डजेंट मैटर नाउ कि आप किसी एक कंट्री में आपने अपने रूल्स लॉज बना लिए हैं तो आपको इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब यही है, तभी तो तकलीफ हो रही हो। हाँ एग्जैक्टली, कि इस तरह की चीज़ है कि आप यू नो यू जस्ट कांट बीट इट इन सम वेज, क्योंकि वो इतना इंटरकनेक्टेडनेस होती है ऑफ द एनवायरनमेंट, इसीलिए तो मजबूर है। एग्जैक्टली, अगर यहाँ पे यानी कि किसी किस्म का पोल्यूशन होता है तो उसका इंपैक्ट जो है वो इंटार्क्टिका इंडिया में नहीं, इंटार्क्टिका पे, क्योंकि ग्लेशियर तो वहाँ पिघलेंगे ना,
वो कहीं वहां जाके उसके असर होते हैं बेसिकली. और ये भी है कि देयर इज नो, आई मीन एट सम लेवल तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि अच्छा दिस इज द एग्जैक्ट रीजन, बट कुछ चीजें इस तरह की हैं कि आप आपको समझ नहीं आती कि अच्छा ये दिस इज व्हाट्स कॉजिंग दिस. तो इन अ लॉट ऑफ वेज अब सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, होना चाहिए, पड़ेगा और वो बुनियादी तौर पे जैसे कहते हैं ना कि अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें आपका साथ देना पड़ेगा. असल में सही मानों में ग्लोबल विलेज होगी ना दुनिया. अब एक आदमी अगर धुआं फूंक रहा है तो वो साथ वाला जो है वो उससे यानी कि उसके फेफड़े भी ख़राब होंगे, क्योंकि यहाँ बात आ गई है. अच्छा, इसमें एक पहलू बड़ा और इंटरेस्टिंग है, मैं चाहूँगा इस पर तुम ज़रा बात करो, इसको कैसे देखती हो कि अब अच्छा हमारे यहाँ के लोग ये कहते हैं कि भाई आपने तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ज़रिए जो भी करना था कर लिया और तरक्की भी कर ली, अब आपके पास वेल्थ भी क्रिएट हो गई, उससे आप आगे भी बढ़ रहे हैं, साड़ी वारी आई है तो तुम कहते हो जनाब कोल से एनर्जी पैदा ना करें और इससे ना करें उससे ना करें. तो हमारे तो हमें तो ये भी देखना है ना कि यार अगर इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है और फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे 5% लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, मगर भूख से तो 50% लोग हमारे मर रहे हैं. इसको आपकी जनरेशन कैसे देखती इस बात? आई थिंक ये एक्चुअली लाइक एनवायरमेंटल गवर्नेंस में और इस तरह ये एक्चुअली बहुत बड़ी डिबेट है कि अब इसका जो अब जो इम्पैक्ट आ रहा है वो अब किसको उठाना चाहिए, वो जो अब क्लाइमेट चेंज की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिन्होंने पहले कर दिया और अब उन्हें फ़ायदा हो गया है. सो आई थिंक हाँ वो दैट्स ऑलवेज काइंड ऑफ अ डिबेट राइट, कि भाई लोगों को भूख से और गुर्बत से मरने दिया जाए या पोल्यूशन से मरने दिया जाए, ये सवाल है ना. आई थिंक वो जो जो मेरे जहन में द मेक सेंस इज कि जिन लोगों के पास ए पैसे हैं और इख्तियारात हैं रिसोर्सेज हैं टू यू नो काउंटर एक्ट इस जो भी इम्पैक्ट्स हैं उन्हें करना चाहिए एज अपोज टू पीपल हु कंट्रीज एक्चुअली जो अब कंट्रीब्यूट कर रही हैं जो कि कर रही हैं क्योंकि उन्होंने अपना काम आउटसोर्स कर दिया है ना पोल्यूशन वाला. सो यू नो अब लेकिन उनके पास पैसे नहीं है इतने कि वो उनके पास ये रिसोर्सेज वगैरह वो हैं तो बड़े देना नहीं चाहते थिंग देने नहीं चाहते उनके पास है हाँ, ना उनके पास हाँ उन्हें देने चाहिए क्योंकि उन्होंने शुरू में सबसे ज्यादा उससे बेनिफिट किया ना असल में एग्जैक्टली और सबसे ज्यादा बेनिफिट भी किया एंड नाउ they're the ones that have the resources and the education to sort of counteract it. yes मतलब जो काम उन्होंने किया है वो आपको करने की इजाजत नहीं देते ना अब नहीं देते अब नहीं देते ना. अच्छा इसमें अब वो ज्यादा एडवांस्ड हो गए नाउ दे नो बेटर. हाँ वो ये अमेज़न के जो जंगलात है ना ये ब्राज़ील के इर्द गिर्द है ना ब्राज़ील का एक बड़ा जो रकबा है जो एरिया है वो अमेज़न के जंगलात पे. अच्छा किस ज़माने में ना बड़े हालात इनके ख़राब हो गए तो वो बेल आउट नहीं कर रही थी दुनिया पैसे वैसे दे नहीं रही थी तो जो ब्राज़ीलियन जो उस वक्त हुक्मरान था और जो उनके जो भी अरबाब इख्तियार थे उन्होंने बड़े मज़े की बात की उन्होंने कहा ठीक है तुझे पैसे नहीं देने सानू ना दो असी ना जंगल कट कट के ना तो उस तो बाद फिर असी लकड़ी बेचांगे सानू तो पैसे चाहिए देने. अच्छा अब उसको कहते हैं कि वो उस पूरे खत्ते का ना फेफड़ा है यानी कि वो अगर आप अमेज़न के जंगलात को अगर आप काट देंगे तो पूरा यूरोप और पूरा ये जो खत्ता जो उस तरफ का है उसके एनवायरनमेंट को बुरी तरह से वो मुतासर करेगा. वो फिर फौरन उन्होंने कहा नहीं 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 ये ना कीजिएगा आप हम आपको पैसा जो है वो देते हैं. तो अब ये कोई मैं कहना ही चाह रहा था कि जो जिस जो भी जिस मुल्क का हुक्मरान है उसको भी थोड़ा सा ना यानी कि आंखें दिखानी पड़ती हैं अपना हक लेने के लिए कि भाई ठीक है मुझे तो अपने लोगों को यार खाना देना है ना उनको तो एजुकेशन देनी है ना तो मैं इसके लिए कि तुम्हारे दूर घर में तुम्हारा बच्चा जो है वो यानी कि इसका ये मतलब नहीं कि किसी को आप तकलीफ़ पहुँचाएँ मगर उसकी आप चाहते हैं कि उसको तो एक छींक भी ना आए आपकी नस्लों को और मेरी नस्लें जो हैं वो भूख से मर रही हों या जहालत से मर रही हों या खाने को जैसे कहते हैं ना कि ग़िज़ा भी ठीक तरह से मैसर ना हो तरक्की का ये आलम हो तो फिर तो आपको करना पड़ेगा ना अपने लोगों के लिए कुछ भी उन्हें बचाने के लिए करना पड़ेगा. तो और अगर आप चाहते हैं कि भाई ये ना किया जाए चूँकि आपके बच्चा जो है बहुत नाजुक है और आपकी फैमिली बहुत नाजुक है हमें भी उसका ख्याल होना चाहिए तो फिर आप कंट्रीब्यूट करें ना और कंट्रीब्यूट इसलिए करें कि मेरी बर्बादी में आपका हाथ है. अच्छा आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ बट वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आके अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू रखते हैं.
वेलकम बैक टू द शो. अच्छा आपको पता है जो हमारा रमज़ान पैकेज है जिसमें हम दिखाते हैं कि रमज़ान ऐसे सेलिब्रेट होता है, उसकी जो कंट्री है इस बार वो है यूएई. वाह, यूएई तो फिर काफ़ी सारे ममालिक हुए ना. हाँ, अबू धाबी भी है उसमें. ममालिक हैं, ममालिक हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. हाँ, खजूरें, मुझे तो खजूर ही ये खजूर अच्छी है, यहाँ की खजूर अच्छी नहीं है. अच्छा, बट यू डोंट लाइक द प्लेस, आई फील एट लीस्ट. हाँ, यूएई ना. हाँ, दुबई. मैं दुनिया में सबसे कम जिस जगह जाना चाहता हूँ ना, वैसे बाकायदा अब तो ये होता है मुशायरे में भी इधर उधर बड़ी मुश्किल से मैं हामी भरता हूँ, वो दुबई ही है. और अपना बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, हालांकि इब्तदा में जहाँ मैं गया उस ज़माने में साहब थे सलीम जाफरी, जो हमारे मुशायरे में जॉन भाई और ये वो सब बड़ा अच्छा बड़ा तारीफ़ी, वो सलीम जाफरी के मुशायरे हैं जो आप जॉन साहब के देखते हैं. हाँ, दुबई वाले वो सलीम जाफरी साहब. तो हम जब आए नए नए, तो लाजवाब जब आप आते हैं तो दो तीन साल के बाद फिर आपकी एक पोजिशन, आप लोगों को जानना शुरू करते हैं, लोग आपके काम को जानना शुरू करते हैं. तो वो उनका इंतकाल हो गया था, उनके नेक्स्ट ईयर उनकी बेगम थी, मेरा अगर हाफजा ठीक काम करा, शाहिदा उनका नाम था, शाहिदा भाभी उन्हें कहते थे. तो उनके इंतकाल के बिल्कुल नेक्स्ट ईयर मैं पहली बार गया था. और नया नया उससे पहले आपने कब जापान वगैरह जा चुका था. क्या हुआ? नहीं, आपने वो कुछ मुशायरे किए थे उनके साथ? हाँ, बहुत, उसके बाद तो बहुत किए. मैं बताना ही चाह रहा था, जॉन एलिया. नहीं, जॉन भाई के साथ तो बहुत. अच्छा, एक थोड़ी बेशुमार, तुम्हें नहीं पता इस बात? नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी आपको, मैं यूट्यूब पे देखी हूं, आई नेवर सी. वो हुआ ये कि जॉन भाई के ये जो मुशायरे थे ना, ये वाले, ये मिलते हैं फिर जो कराची में हुए खास तौर पे. पर उनके दुबई में बहुत ज्यादा हैं, cuz he also wrote about. वो इसलिए कि ये सलीम जाफरी वगैरह क्या करते थे, उसको अच्छी तरह से रिकॉर्ड करते थे, शूट करते थे, और फिर उन्होंने उस पर डाल दिया यूट्यूब वगैरह पे. उसके बाद हमारी जितनी भी रही फराज साहब के साथ, उसके तो यूट्यूब का तो अभी आया ना, 10-12 साल से, और अब पिछले 4-5 साल से ज्यादा इसका यानी कि चलन हुआ है. तो जॉन भाई के साथ कराची में बेशुमार हमने यानी कि मुशायरे पढ़े, नशस्तें, मुलाकात हुई. दुबई में जॉन भाई के साथ, हाँ, जॉन भाई के साथ दुबई में भी था. मैं जॉन भाई के साथ कई मरतबा दुबई गया. उस ज़माने में जमीलुद्दीन अली हयात होते थे, अमजद भाई हयात थे. अमजद भाई तो खैर अभी 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 इंतकाल हुआ उनका. तो बता, मैं ये रहा था कि पहली मरतबा जब मैं दुबई गया ना, उसके बाद भी मेरी कभी, यानी कि आप काम के लिए जाते तो हैं मजबूरन, बेशुमार बार उसके बारे में गया हूँ, मगर कभी मेरी ख्वाहिश नहीं हुई. क्यों? कंक्रीट लगता है मुझे सारा, ऐसा लगता है कंक्रीट का जंगल है. और लिटरली मेरा ना दम घुटता है वहाँ. और अलबत्ता हमारे कुछ दोस्त थे जो, जिनके कुछ अरब्स जो थे वो दोस्त थे, बड़े रईस, वो जो कुएं वाले अरब नहीं होते, वो कुएं वाले अरब. हाँ, कुएं वाले, कई उनके कुएं तेल के कुएं वाले. अच्छा, वो हमें ना बाज़ूकात 2-3 मरतबा, वो मुझे ना, उन्होंने फार्म हाउसेज अपने बनाए होते हैं सहरा में, बहुत बड़े 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 उस पर, और फिर उसके बाद उसमें खजूर के दरख्त, और फिर वो प्लेटफॉर्म्स बनाए होते हैं. वो 2-3 मरतबा मुझे वो सहरा में 1-2 मरतबा ले गए. वो चांद मान निकला वो सर, वो तो फिर भी अच्छा है. और वो जो मुझे वो उसका लुत्फ भी आया, क्योंकि नेचर है ना, यानी कि, और बहुत ही यानी कि वो मज़े की बात है कि वो जो मेरे दोस्त थे, जिनके वो दोस्त थे, उन्होंने वहाँ पे कोई भी ये जो मॉडर्न गैजेट्स और ये जो जदीद सहूलतें, सोफे, इसका भी इंतज़ाम नहीं किया था. बिल्कुल ही उसको ना, बिल्कुल ही रॉ कह लो, या बिल्कुल ही आप जैसे कहो ना, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो है ना, चटाई और ये और वो इस तरह. मगर वो इतना लुत्फ था उसका, खाना वगैरह भी उन्होंने वो जैसे कहते हैं ना, वो उसी के ऊपर, वो जो ऊँट वूँट जो भी उन्होंने बनाया, और खजूरें, और वो तो फिर भी मेरी मेमोरी में है, और उसका मुझे लुत्फ भी आया. मगर दुबई शहर में जब आप आ जाएँ, तो एक कंक्रीट का एक जंगल आपको लगता है, लिटरली दम घुटना शुरू हो जाता है. फिर हिस्ट्री नहीं है. अब जैसे आप लाहौर, अब मैं इस शहर से हूँ, या सरगोधा इवन मेरा जो शहर है, लाहौर है, आप चले जाएँ, एक एक ये जो हमारी जो मुगलिया दौर की जो इमारतें हैं, फिर बाद में भी जो डेवलपमेंट्स हुई, एक हिस्ट्री है ना, 1000 बरस की, इससे भी कहीं ज़्यादा कदीम, 1000 साल से. तो जो कि बाकायदा ही एक, जिसे आप कहिए कि मतलब कैसी कैसी शख्सियात, आप छोड़ दें यार, आप अगर मतलब मियानी साहब जो कब्रिस्तान है लाहौर का, आप वहीं अगर चले जाएं, और अब वैसे तो अजीब सी बात है कि भई ये, मगर एक हकीकत है ज़िंदगी की, आप अंदर चले जाएं और आप कतबे देखना शुरू कर दें, तो ऐसी ऐसी हस्तियाँ वहाँ दफन हैं जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है,
जिन्होंने सोसाइटी को इतना कुछ दिया है, मैं सिर्फ मियानी साहब कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ना बस मुझे लगता है कि कंक्रीट का जंगल और दम घुटता है, ऊँची ऊँची इमारतें हैं, हवा रुकी हुई है और मसनूई सा लगता है सब कुछ। अच्छा, इसके बरक्स आप लंदन चले जाएँ, आप जापान चले जाएँ, आप लंदन में तो देखो म्यूज़ियम्स उनके देखें, हिस्ट्री देखें आप, तो दुबई मुझे कभी भी इस हवाले से नहीं। खजूर जो है वो अलबत्ता हो सकता है कि इस पैकेज को देखने के बाद आपका ओपिनियन चेंज हो जाए। वो तो अब रमज़ान आप वहाँ यानी कि आप मनाएं, ईद करें, वो एक अलग चीज़ है। और बहरहाल लोग हैं, लोग हर जगह के काबिल एहतराम होते हैं। मैं तो शहर की और कंक्रीट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इनको ख्याल करना चाहिए था कि नेचर की तरफ जो है ना वो और ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। ये जो बहुत ज़्यादा हाई राइज जो स्काई स्क्रैपर्स है ना, मेरी समझ में कभी आए नहीं कभी। हम चूँकि शायद मुज़ाफ़ात के लोग हैं, खुले खुले इलाकों के लोग हैं, ज़्यादा दो मंजिला तीन मंजिला, उसके बाद ज़रा फिर थोड़ा सा। अब देखो ना पूरी दुनिया क्या करती है, वो डाउनटाउन के जो एरियाज़ है ना वहाँ पे तो ऊंची बिल्डिंग्स बनाते हैं, बट अदरवाइज सारा शहर जो है, बाकी शहर जो है उससे आबो हवा सारी रुक जाती है आपकी। और दुबई जो कि है ही इतना सा, जो मतलब जो मेन उसका जो एरिया है वो सारा का सारा यानी कि बहुत ही बुलंद उबाला इमारतों। अब वो बुर्ज खलीफा को आप कितनी बार देख सकते हैं, एक बार देख लें मतलब आप, ठीक है, उसके बाद क्या है, बिल्डिंग है, कंक्रीट है, कुछ भी उसमें नहीं। अलबत्त कोई दरख्त जो है, मतलब मुझे याद है सरगोधा शहर में जहाँ मैं रहता था उसके सामने दो दरख्त थे शहतूत के, मैं उनको आज भी हफ्तों देख सकता हूँ। नेचर में कुछ है, ऐसा लगता है वो आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप उन्हें देखते हुए बोरियत का शिकार नहीं होते। इसी तरह दुबई का जो सहरा का इलाका है वहाँ आप जाएं, उसका एक अपना मजा है, मगर वो जो शहर है वो नहीं। खजूर की हद तक ठीक है। अच्छा, चलते हैं हम अपने पैकेज की तरफ। लेट्स वॉच। एशिया के जनूब मगरबी बरेआज़म में जजीरा नुमा अरब के मशरिक में मुतहिदा अरब अमारात वाक़ है। ये एक छोटा सा मुल्क अपने वसाइल पर इन्हिसार करते हुए बहुत कम अरसे में मगरबी एशिया की सबसे तरक्की याफ्ता मईशतों में से एक बनने में कामयाब हुआ। इस मुल्क ने अपने अराकीन के लिए अपने ज़राए पर इन्हिसार करते हुए बहुत ज़्यादा आमदनी रिकॉर्ड की। मुतहिदा अरब अमारात दुनिया में तेल के सातवें बड़े ज़खायर के तौर पर दर्ज किया गया है। इन सब के अलावा भी बहुत सी तामीराती निशानियां हैं, जैसा कि खलीफा टावर जो दुनिया की बुलंद तरीन फलकबोस इमारतों में शुमार होता है। बहुत से मजाहब और फिरके मुख्तलिफ नस्लों के साथ मिलते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ की आबादी की अक्सरियत का मज़हब इस्लाम है और इस्लाम को मुल्क में सरकारी मज़हब समझा जाता है। आप गलियों में सजावट से बता सकते हैं कि इस मुल्क में रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना मनाया जा रहा है और आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें देख रहे हैं जब वो रमज़ानुल मुबारक का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये बरकतों का महीना है, एक ऐसा मकाम जिसमें सादगी और ऐशो आराम दोनों की आमेजिश है। शानदार नज़ारे जो एक मखसूस वक्त में सिर्फ एक जगह पर पाए जाते हैं, मुतहिदा अरब अमारात में रमज़ानुल मुबारक। मुतहिदा अरब अमारात का हर शहर रमज़ानुल मुबारक की तैयारी अपने मुनफरिद अंदाज में करता है। रमज़ान के दौरान कुछ शहरों में तर्ज ज़िंदगी नुमाया तौर पर तब्दील होता है जबकि दूसरे शहरों में यकसां रहता है। आमतौर पर कुछ महलों के शॉपिंग मॉल्स बिल्कुल मुनफरिद दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ अंदाज से सजाया और रोशन किया जाता है, और इसके अलावा कुछ मसनूआत के इश्तिहारात और फरोख्त भी आम दिखाए जा रहे हैं जो मकामी लोगों और सयाहों को यकसां तौर पर मुतले करते हैं कि रमज़ान शुरू हो गया है। शाबान के वस्त से तैयारियां जारी हैं, बाजार मुख्तलिफ अशिया और खाने पीने की चीज़ों से भरे पड़े हैं। मुल्क भर में मवेशी और मछली की मार्किटें उरूज पर हैं। घरों को रिवायती अंदाज में सजाया गया है,
लोग अपने घरों के सामने बड़ी बड़ी लाल टैने लगाते हैं। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही हमाराती खानदान एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ये एक पुरानी रिवायत है जहां लोग मुआशरे के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मोहब्बत, हमदर्दी और माफी जैसी अखलाकी अकदार पर जोर देने के लिए तहाइफ देते हैं और इनका तबादला करते हैं। ये रिवायत वक्त के साथ साथ गरीब लोगों को भी शामिल करने के लिए तैयार हुई है। रमजान के साल के नाम से कैंप लगाए जाते हैं ताकि गरीब रोजादारों को अफ्तार के खाने और दीगर अशियाए खोरो नोश दी जा सकें। रमजान खानदानों और माशरे के अफराद के दरमियान रिश्तों को मजबूत करने और दिलों को पाक करने का बेहतरीन वक्त है। इसलिए अहले खाना रिश्तेदारों और पड़ोसियों के दरमियान दूरियां कम हो जाती हैं। घरों के अंदर अमाराती खवातीन इफ्तार की तकरीबात का शेड्यूल बनाती हैं और कुछ लजीज पकवान बनाती हैं जो रमज़ान में इबादात का हिस्सा होता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में रोज़े का महीना मुख्तलिफ ममालिक और इस्लामी अकलियतों की मुनफरद तस्वीर पेश करता है। हर ग्रुप तर्ज रमज़ान पर अपना अपना अंदाज शामिल करता है। ग्रुब आफ्ताब की नमाज के वक्त मुख्तलिफ सकाफतों और नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोग पुरअमन और मोहब्बत भरे माहौल में एक साथ रहते हैं। अफ्तार कैनन चलती है। आजकल अरब इमारात के दूसरे इलाकों में भी इस तरह की मशक की जाती है। अमाराती समाजी यकजहती के तौर पर मसाजिद और घरों के सामने मुफ्त खाने की मेज़ें लगाते हैं। अगर ऐसा हो कि आप इफ्तार के वक्त गाड़ी चला रहे हैं लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से आपको रुकना पड़ जाए, तो नौजवानों का एक ग्रुप जो ट्रैफिक लाइट्स या चौक के करीब खड़े हैं, इफ्तारी के लिए घर पहुंचने में देर हो जाने की वजह से ड्राइवरों के लिए खजूर और पानी की बोतलें पेश करते हैं। रूबे आफ्ताब की अजान के वक्त आसमान की तरफ हांकते हैं। लोग सुमात सिखाएं और इन्हें बाकायदगी से अल्लाह के घर जाने की तलकीन करें। इससे इन लोगों को साथी मुसलमानों के साथ एहतराम और रवादारी की बुनियाद पर अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने में भी मदद मिलती है। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा वाकई अजीम और रात को जाग कर आयात कुरानी पढ़ना मामूल में शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दुबई इंटरनेशनल होली कुरान अवार्ड के नाम से तलावत कुरान के मुकाबले का इनेकाद करता है। ये रमजान की रातों में बहुत से उलमा और कुरान की तलावत करने वालों की भी मेजबानी करता है। ज़कात की अदायगी का एहतमाम किया जाता है और इस रकम को गरीबों और यतीमों के कपड़े खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़कात एक ऐसा अमल जो रूह को पाकीज़ा बनाता है, अच्छी अकदार पर जोर देता है। गरीबों को ईद उल फित्र की खुशियों में शामिल किया जाता है। जब ईद आती है तो मुख्तलिफ सकाफती और मजहबी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम शहरी मिलकर जश्न मनाते हैं। हर कोई अपने मुल्क से अमाराती अंदाज में कुछ शामिल करने की कोशिश करता है। ईद की तैयारियां बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से शुरू होती हैं। मिठाइयों की मांग में खातिरखा इजाफा होता है जिसकी वजह से फैक्ट्रियों को बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए अपनी पैदावार की शरह में इजाफा करना पड़ता है। तैयारियां घरों तक फैली हुई हैं। ख्वातीन अपने घरों को साफ करती हैं, खास तौर पर मीठा बनाया जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में हमारा सफर खत्म हो गया है।
और आई वेलकम बैक. आपने देखा कि यूएई में लोग रमज़ान किस तरह मनाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा. अच्छा, मुझे भी पसंद आया रमज़ान. देखिए, मैं सिर्फ ना जो इमारतें हैं और जो उनका कंक्रीट का जंगल है उसकी बात कर रहा हूँ, मगर लोग तो हर जगह के ही खूबसूरत होते हैं. लोग तो हर जगह के इंसान से तो आपको मोहब्बत करनी चाहिए, और दुबई के हवाले से भी ऐसा ही है. चले कहाँ दुबई. अभी यार मैंने तुमसे कहा कि ऐसा करते कहीं और चलते हैं, दुबई में रुकते हुए चलते हैं. अब देखो ना, सरगोधा आप चलें दुबई. हाँ तो क्यों नहीं. तुम्हें एक बड़े मज़े की बात बताऊँ. एक ज़माने में हमारी जो अपनी एयरलाइन है ना, उससे कुछ लोग इतने खायफ हो गए थे कि मैं जानता हूँ उन लोगों को, नाम लेना मुनासिब नहीं, पाकिस्तान के बड़े नामवर लोग हैं, कि उनको लाहौर आना होता था ना कराची से, तो वो हमारी एयरलाइन पर नहीं आते थे. एमिरेट्स चल गई थी तो पहले दुबई जाते थे, दुबई से कर लाहौर आया करते थे. इंसान भूल जाता है. एहतियात अच्छी चीज़ है, मगर जो लिख दिया उसने, अब उसका क्या कर सकता है. तो ऑलराइट, ये था हमारा शो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं और बाबा आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज. हाँ, और हम ना किसी दिन इस पर भी बात करेंगे, ये जो जान की हिफाजत करना है, और ये सोचना कि जो एक लम्हा भी आपकी ज़िंदगी में ना इजाफी हो सकता है ना कम हो सकता है, बहुत का इख्तियार उसके पास है, मगर उसके साथ साथ एहतियात जो है वो भी बहुत ज़रूरी है. अब वो एहतियात किस हद तक करनी चाहिए, ये ख़ुद एक यानी कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. जो बैलेंस की हमने बात की ना आज सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, कि कैसे आपने बैलेंस क्रिएट करना है, ये मौत और ज़िंदगी के हवाले से भी है, ये ब्रेवरी और बुजदली के हवाले से, एहतियात के हवाले से, बुजदली तो नहीं, कि वो एहतियात जो है वो कहाँ तक, कौन सी चीज़ एहतियात कहलाएगी, ठीक है ना. और उसके बाद फिर आप छोड़ देते हैं, और आप जानते हैं कि भाई बारी ताला आप जो जितनी सांसें हैं वो तेरे इख्तियार में है, मैं क्या कर सकता हूँ. तो ये सब्जेक्ट है, उस पर बात करेंगे किस दिन. अल्लाह हाफिज़.